नमस्कार। दैनंदिनी समाचार आज का अखबार। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, आज दिन है सोमवार। नजर डालें सुर्खियों पर आज के अखबार के। शुरू करते हैं अच्छी खबर से। गांधी जी की सोच पर सरकार, शहरों में कुष्ठ रोगी भी लड़ सकेंगे स्थानीय चुनाव। 59 साल पुराना कानून होगा अब खत्म। इस खबर की अच्छाई जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब डालते हैं आज के अखबार की प्रथम पृष्ठ की सुर्खियों पर नजर। किसान आंदोलन के 25वें दिन किसानों ने किया ऐलान, जब मोदी करेंगे बात मन की, हम बजाएंगे ताली थाली। भूख हड़ताल पर बैठे किसान, सरकार ने फिर दिया न्योता, एक दो दिन में मिलेंगे कृषि मंत्री, शाह ने कहा। इधर हर बात सुनने को तैयार, चर्चा से ही निकलेगा समाधान, कृषि मंत्री ने कहा। बंगाल में गरजे शाह, कहा लोग बदलाव के इच्छुक, बांग्लादेशी घुसपैठ से चाहते हैं मुक्ति। आज सभी अखबारों में है ठंड की खबर। इधर बिलासपुर दुर्ग संभाग में ठिठुरन, शीतलहर का अलर्ट। आज शाम को आसमान में दिखेगा अनोखा नज़ारा, 800 साल बाद बेहद करीब होंगे बृहस्पति और शनि। और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र शुरू होने जा रहा है, विपक्ष लाएगा काम रोको प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में प्रमुख सुर्खी है नेपाल में सियासी भूचाल, संसद भंग करने के बाद मध्यावधि का ऐलान। अब चलते हैं अंदर के पृष्ठों पर। गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण कंडेल नहर सत्याग्रह, भूपेश बघेल ने कहा। इधर कांग्रेस टाइटल का लाभ उठाकर सत्ता भोग रही है भाजपा का पलटवार। छत्तीसगढ़ में गांधी जी के रायपुर आगमन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। सरकार ने शताब्दी वर्ष पर कंडेल नहर का उदाहरण दिया तो भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रश्न उठाया कि गांधी का सिर्फ टाइटल उपयोग करते आई है कांग्रेस, वो भूल गई है गांधी जी के शताब्दी वर्ष मनाने को। किसी तरीके का कोई जनहितैषी या जन उपयोगी या जन के जानकारी का कोई भी आयोजन नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से। भाजपा तोड़फोड़ करने वाली पार्टी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। छत्तीसगढ़ में स्टील सेक्टर कोरोना से रहा अप्रभावित, कोविड काल में जबरदस्त उछाल। किसान और कोरोना रहेंगी सुर्खियां विस सत्र की। आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की सुर्खियों में किसान और कोरोना रहेंगी। कई राज्यों में होंगे नए अध्यक्ष का ऐलान, वरिष्ठ नेताओं से बैठक में सोनिया ने कहा। और टीकाकरण में होंगे 900 करोड़ का खर्च, केंद्र सरकार वहन करे खर्च, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने की मांग। अब खबरें मनोरंजन की दुनिया से। टैगोर के बर्थडे पर करीना ने लॉन्च की प्रेगनेंसी बुक, सोनाक्षी ने शुरू की फॉलिन की शूटिंग, केजीएफ चैप्टर 2 का क्लाइमेक्स शूटिंग खत्म। खेल की दुनिया में नजर डालें आज। पेले की बराबरी पर पहुंचे मेसी, हफीज की 99 रन की पारी बेकार, न्यूजीलैंड ने जीती सीरीज। और कोहली के रैंकिंग में सुधार, स्मिथ के करीब पहुंचे। अब बात करें कारोबार की दुनिया की। राजकोषीय घाटे की चिंता छोड़कर खर्च बढ़ाए सरकार, आरबीआई ने कहा। बंगाल का पहला तेल व गैस भंडार देश को समर्पित, अस्पतालों से विदेशी बीमा कंपनियों को जोड़ने की तैयारी में सरकार, 18,800 अंक तक पहुंच सकता है निफ्टी। वाहन क्षेत्र के लिए नया साल बेहतर रहने की उम्मीद। और अंत में वैज्ञानिकों ने दिमाग तेज चलने का कारण खोजा, मस्तिष्क के अंदर नए संचार तंत्र की हुई खोज। अब आप देखिए आप हमारा खास रिपोर्ट अच्छी खबर पर। आज की अच्छी खबर, कुष्ठ रोगी भी अब लड़ सकते हैं चुनाव। गांधी जी की सोच पर सरकार, आज से शीत सत्र शुरू, 10 संशोधन विधेयक आएंगे जिसमें एक यह भी। राजधानी रायपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रथम आगमन के शताब्दी वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार 59 साल पुराना ऐसा कानून खत्म करने जा रही है जिसमें कुष्ठ रोगियों के नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव में हिस्सा लेने की आजादी मिलेगी। कुष्ठ रोगियों को चुनाव से रोकने का यह कानून 1960-61 में बना था। इसे खत्म करने के लिए भूपेश सरकार आज से शुरू होने वाले विधानसभा के शीत सत्र में संशोधन विधेयक ला रही है। केंद्र सहित कई राज्यों में ऐसा कानून, विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में कुष्ठ रोगियों से भेदभाव खत्म करने की सिफारिश की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में
जनहित याचिका में केंद्र सरकार सभी राज्यों के इन मसलों पर जवाब मांगा था। इसकी सुनवाई के दौरान ही केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करने का जवाब दिया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान व उड़ीसा आदि राज्यों में 2018 में कुष्ठ रोगियों के चुनाव लड़ने पर रोक खत्म कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 2019 में व्यक्तित्व कानून संशोधन विधेयक पारित किया है। आज का अखबार आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।